नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज मैं जर्नी करने वाला हूँ इंदौर मध्य प्रदेश से लेकर ग्वालियर तक। डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स, 8 से 8.5 घंटे का टाइम हमें लगेगा। और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इंटरसिटी ट्रैवल्स की वोल्वो B9R आई शिफ्ट बस में। 2x1 AC स्लीपर बस है और मैंने इस बस में पहले ट्रैवल नहीं किया है क्योंकि ये जयपुर रूट पे चलती है। दूसरी जो बस थी यूपी पासिंग B9R, वो भी आई शिफ्ट थी, उसमें मैंने ट्रैवल किया है। तो अभी देखते हैं इसका इंटीरियर वगैरह। तो अभी हम गाड़ी के अंदर है, 2x1 कॉन्फ़िगरेशन है गाड़ी का, कन्वर्टेड वोल्वो है, सेम वोल्वो के टिपिकल जो रीडिंग लैम्प और एसी वेंट्स है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। और ये जो टीवी है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो ये मेरा सीट है 15 नंबर, और ये जो विंडो पेन आप देख सकते हैं वो बहुत ही कम है, 1 फीट भी नहीं है। और यहाँ पर एक एसी वेंट दिया हुआ है, ये स्पीकर फटा हुआ है, यहाँ पर एक टीवी स्क्रीन है, और वहाँ पर भी 2 AC वेंट हमको मिल जाते हैं। और इंटरसिटी का यहाँ पे ब्रांडिंग आ जाता है, ये ब्लैंकेट्स है। और यहाँ पर इन्होंने ड्राइवर के लिए, मतलब को ड्राइवर जो होते हैं उनके लिए बर्थ अलॉट किए हुए है, ऐसे 36 बर्थ्स है टोटल। तो एक और बात मुझे थोड़ी सी गलत लगी, वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक स्टैंड बनाया हुआ है, और ये टीवी का वैसे भी इस्तेमाल नहीं होता, और यहाँ पे ये स्टैंड आ जाता है डबल वाले बर्थ पे, तो सोने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, मतलब होगी ही फॉर श्योर। तो दो लोग यहाँ पर आराम से बैठ नहीं पाएंगे। और अभी चार्जिंग पॉइंट वगैरह यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं, पर ये वर्क करते हैं नहीं करते हैं तो वो तो अभी पता चल जाएगा। और आई गेस दोनों में एक ही चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं एक ही चार्जिंग पॉइंट है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो नीचे वाले बर्थ में तो चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे कोने में दिया हुआ है इन्होंने, वो भी एक है। और जो लोअर वाला बर्थ है वहाँ पे तो चार्जिंग पॉइंट पूरी तरह नीचे चला जाता है। तो वैसे ये बस सही है, वो जो पहले वाली पूरी प्रकाश ने बिल्ड की थी 60 UP 75 पासिंग है, उससे तो बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे ये बस। अभी ट्रैवल करने के बाद पता चल जाएगा इसका सस्पेंशन कैसा है या फिर रेड क्वालिटी कैसी है। आप लैडर वगैरह भी देखें तो काफ़ी बड़ा लैडर है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और यहाँ पर भी जो सिंगल बर्थ है उसको भी स्टैंड यहाँ पे आ गया है, और नीचे वाले बर्थ को ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ऊपर वाला बर्थ लेना चाहे तो आप ज़रा सावधान हो जाए, क्योंकि आप ठीक से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि ये इन्होंने स्टैंड यहाँ पर क्यों किया है वो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। कुछ बर्थ को किया हुआ है, कुछ बर्थ्स को नहीं। हाँ 10-20-25 गाड़ी नहीं आई कल से। हाँ परसों आने में तुम बाईपास लेके आना, किपलैना से अंदर आना, कनाडे बंगाली से उधर का बढ़ा दिया आएगा तो ठीक है। मेरा हेडफोन तो दे जाओ, तुम्हारा का हेडफोन। अरे तुम और मैं नहीं, उसको डिजाइन डाल गया, तुम मेरे बढ़ा लो। इंदौर तो अभी नंबर 1 पे आ गया सिग्नल तोड़ना, और ग्वालियर नंबर 2। 75 तक आ जाएगी गाड़ी। बता
फटाफट आ जाओ, है ना, देवास नाका पर, देवास नाका पे आ जाओ। 32 को जो सवारी डाल दी ना लड़का, पीली जॉकेट वाला प्यार बनाएगा। अच्छा, आर्मी के। अच्छा, उसका भी प्लान अभी चालू होने वाला है। तो दोस्तों 10:22 हो चुके हैं और अपनी वोल्वो आ चुके हैं ठीक बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने। आप देख सकते हैं सामने हमारी वोल्वो बस खड़ी है और 10:30 का यहाँ का टाइम है। और अगर आप ऐसा मान के चलने वाले लोग हैं जो 10:30 का टाइमिंग है और 10:35 तक गाड़ी आ जाएगी, तो वैसा नहीं होता, रात का टाइमिंग है। गाड़ी 3 इमली से बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये लेके आते हैं 20-25 मिनट में, और 10:30 बस निकल जाती है। तो अगर आप यहाँ से बोर्ड करने वाले हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने से, तो आप कृपा करके लेट मत कीजिए, उससे बस को भी लेट हो जाएगा और जो दूसरे पैसेंजर्स हैं उनके साथ ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो सकती है। तो आप 10:15 या 10:10 तक आप यहाँ पे आ जाइए, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है। अहमदाबाद का शायद, अहमदाबाद का नहीं औरंगाबाद का शायद। ओके, एमबी शायद अहमदाबाद का, एमबी वो जो गुजरात ट्रेवल्स की बनाता है। तो दोस्तों 11:50 हो चुके हैं और अभी हम डिनर स्टॉप के लिए रुके हैं और होटल का नाम है होटल जैन पथ।
और ये हमारी इंटरसिटी की वो B9RI शिफ्ट खड़ी है आपके सामने, और 20 से 25 मिनट का यहाँ पर स्टॉप होता है। ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत बार यहाँ पे इंटरसिटी के साथ ही आया हूँ। तो आपको रेस्टोरेंट थोड़ा अंदर से मैं दिखा दूँ, बहुत ही अच्छा और बढ़िया हाइजीनिक रेस्टोरेंट है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरा हाइजीनिक ऐसा ये रेस्टोरेंट है। आपको खाने की चीज़ें मतलब डिनर की चीज़ें भी मिल जाएगी, फिर समोसा पोहे वो सब भी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी, और सब वेफर्स कोल्ड ड्रिंक्स ये सब भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों 12:15 बज चुके हैं और अपने जो ड्राइवर साहब है चौहान साहब वो अभी गाड़ी पर बैठ चुके हैं, और 2 से 3 मिनट में ही हम जैनपथ से निकलेंगे। तो आप मान के चलिए 12:20 को हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और ये बस लेने का एक मोटिव मैं आपको बताता हूँ कि इंदौर से सबसे लेट निकलती है गाड़ी, मतलब 10:03 इमली से हम निकले थे और अभी सुबह 6:30 मतलब 6:30 के आसपास हम इंदौर पहुंच जाएंगे, और दूसरी जो गाड़ियां है वो शताब्दी ले लीजिए, अशोक ट्रैवल्स ले लीजिए, वो निकलेंगी 8:30-9 बजे पर पहुंचेंगी 6:30 बजे ही, क्योंकि वो लीलैंड की गाड़ियां है। और ये अपनी आप देख सकते हैं उस्ताद जी का ड्राइविंग बहुत ही बढ़िया है, 90-95 पे हम कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। ऑटोमेटिक आई शिफ्ट बस है, वॉल्वो है, इसलिए हम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो अगर आपको इंदौर से लेट निकलना है और ग्वालियर जल्दी भी पहुंचना है तो ये इंटरसिटी की बस आपके लिए बेस्ट रहेगी, और आते वक्त का भी सेम है, 9:15 बजे ये निकलते हैं झांसी थाना बस स्टैंड से और सुबह 5:30 बजे इंदौर पहुंचा देते हैं। उसका मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में वीडियो कर दिया है, वो आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा फॉग है, आगे का कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे उस्ताद जी को रोड का जजमेंट है, गाड़ी का फुल जजमेंट है, तो इसीलिए फॉग में भी हम काफी तेज चल रहे हैं। बहुत ही सेफली सेफ एंड साउंड ड्राइविंग है चौहान साहब का। देखिए मित्रों बस है कि कंटेनर वो भी नहीं पता चल रहा, इतना ज्यादा फॉग है। किसकी है? सिटी लिंक। अच्छा सिटी लिंक की नॉन एसी स्लीपर है। पार्किंग तो चालू करवा लेते हैं। तो दोस्तों सुबह के 4:50 हो चुके हैं और अभी हम माधव चौक शिवपुरी पहुंच चुके हैं। आपने देखा ही होगा बहुत ही ज्यादा फॉग रोड पर है, फिर भी वोल्वो होने के कारण, ब्रेकिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने के कारण हम बहुत ही तेज स्पीड से 60 की तो एवरेज स्पीड मेंटेन करते हुए हम शिवपुरी पहुंच चुके हैं, और यहाँ से ग्वालियर लगभग 120 किलोमीटर है। हमें और टाइम लगेगा 2.5 घंटे, इसका मतलब 7:50 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और जैसे मैंने कहा था ये जो अशोक ट्रैवल्स की आप बस देख रहे हैं वो निकलती है इंदौर से हमसे 1 घंटा पहले, जैसे ये बॉम्बे हॉस्पिटल जब मैं निकला था बॉम्बे हॉस्पिटल से तब वो 9:00 आई थी, और ये अपनी बस वहाँ पे 10:30 आ जाती है। तो
सवा से डेढ़ घंटे पहले ये बस हमारे पहले निकली थी, फिर भी हमने उसको कवर कर लिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉग इतना है कि पूरे बस पर पानी पानी हो चुका है फॉग की वजह से। कांच पर भी आप देख सकते हैं पानी है, यहाँ पूरी बस के बॉडी पर भी पानी है, जैसे कि बारिश हुई हो ऐसा सब पानी है बस के ऊपर। देखिए देखिए इतना ज़्यादा फॉग है और उस फॉग में हम ट्रैवल कर रहे हैं। और ये वॉल्वो बस की रेविंग, तो 6:25 हो रहे हैं और हमने पनियार टोल नाका क्रॉस किया है और अभी ग्वालियर अभी यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। तो जैसे मैंने शिवपुरी में ही आपको बताया था 7:45 तक हम पहुँच जाएंगे, उसी हिसाब से 7:05 तक हम ग्वालियर पहुँचने वाले हैं। और अभी हमने लिया है डीजल भरवाने के लिए ब्रेक, तो अभी गाड़ी डीजल भरवाएगी, जिनको वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम जाएंगे और हम 7 तक ग्वालियर पहुँच जाएंगे। और अभी आसपास आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फॉग है, इसकी वजह से मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो दोस्तों सुबह के ठीक 7 बज चुके हैं और अभी हम चेतकपुरी ग्वालियर पहुंच चुके हैं और इंटरसिटी ट्रैवल्स के साथ हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चौहान साहब का भी धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने गाड़ी लाई है।